दिल्ली में पानी पर आई केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान जारी है। बीजेपी सांसद विजय गोयल एक बार फिर केजरीवाल सरकार का विरोध करते हुए गंदे पानी की बोतल लेकर संसद पहुंचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने 5 साल तक दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। एयर क्वालिटी फिर हानिकारक हो गई है, 369 पर पहुंच गई, PM 2.5 भी 336 को पार कर गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने बार बार वायदे करने के बाद प्रदूषण और साफ पानी पर कुछ काम नहीं किया। उन्होंने प्रदूषण को अगर आपने देखना हो तो इसी से जानिए कि घर घर के अंदर एयर प्योरीफायर लग गए हैं और पराली और दिवाली का बहाना करते हैं और ऑड इवन का नाटक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर से कह दिया कि प्रदूषण को कम करने के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, ऑड इवन का कोई समाधान नहीं है। प्रदूषण के मुद्दे पर यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई और किस तरीके से यहाँ पर सांसद हैं आप देख सकते हैं कि विजय गोयल जी हैं वो यहाँ पर साइकिल से आए हैं और इनकी साइकिल पर पानी टंगा हुआ है। हवा और पानी के मुद्दे पर ये यहाँ पर संसद में दाखिल हुए हैं और जिस तरीके से गांधी प्रतिमा के सामने लोग जाते हैं उस तरीके से यहाँ पर गांधी प्रतिमा के सामने यहाँ पर खड़े होंगे। तो इससे पहले मनोज तिवारी आए थे और आज ये आए हैं साइकिल से। तो कुल मिलाकर ये दिखाना चाहते हैं कि ये मुद्दा इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बेशक इस तरीके से संसद सदस्य ये जाहिर करते हैं अपनी भावनाएं, लेकिन प्रदूषण की दिशा में सख्त कदम उठाए और सरकार पुख्ता योजना बनाए जिससे आम जनता को राहत मिले, उसका भी इंतजार है सबको। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। उधर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का इस्तीफा मांग लिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के पानी पर जो रिपोर्ट दी है वो पूरी तरह से फर्जी है। और लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमारे घर पर कोई भी सैंपल लेने के लिए किसी भी प्रकार के पानी की जांच पड़ताल करने के लिए नहीं आया। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पानी आता है बहुत साफ और बढ़िया आता है और हमारे पूरे शहर में, हमारे पूरे इलाके में साफ पानी आता है, जनता कह रही है। तो रामविलास पासवान जी जिस प्रकार का